बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम कुछ सेल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हैं राइबोसोम, वैक्यूल और सेंट्रियोल्स। तो सबसे पहली बात ये कि राइबोसोम हम कहते किसको हैं। राइबोसोम इट्स अ माइक्रो सब यूनिट और माइक्रो ऑर्गनल ऑफ द सेल। इसकी साइज जो है वो यहाँ पे लिख दी है मैंने, 87 वर्ग की होती है। और उनके जो दो यूनिट होते हैं, सब यूनिट एक होता है, दोनों अनइक्वल होते हैं, एक छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है। ठीक है, तो राइबोसोम जो है ये दो कंडीशंस में पाए जाते हैं, या तो वो बाउंड पाए जाते हैं या तो वो फ्री पाए जाते हैं। जो बाउंड पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, एक तो न्यूक्लियस में अंदर बनकर वो बाउंड होते हैं, दूसरा वो वहाँ से जब पास होते हैं तो दे आर अटैच विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं तो वो भी उनके साथ बाउंड होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म दे आर फ्री। ठीक है, लेकिन राइबोसोम जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे उनकी एक ही जॉब होती है कि दे आर टेकिंग पार्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। सो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था कि रफ हम उनको क्यों बोलते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। सो राइबोसोम आर देयर इन द क्लस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम्स, दे आर टेकिंग पार्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। जैसे हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है, ऐसे राइबोसोम क्या है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, तो इनको जो डिस्कवर किया था वो पॉलार्ड ने किया। किसने किया था, पॉलार्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको डिस्कवर किया था। तो ये दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तब भी पाए जाते हैं, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तब भी पाए जाते हैं। दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों सेल्स में उनकी एक ही जॉब होती है टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोटीन व्हेन इट्स नीडेड। यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा यहाँ एमआरएनए के तौर पे मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख दिया है कि जब न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए अपने कोड को भेजता है कहाँ, एमआरएनए की सूरत में साइटोप्लाज्म में, तो ये जाकर किससे मिलते हैं, राइबोसोम इसके साथ अटैच होता है और उसके कोड को ट्रांसलेटेड किया जाता है और उसके बाद प्रोटीन तैयार कर दी जाती है और अमीनो एसिड्स को यहाँ पे क्या पिक कर दिए जाते हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। तो वहाँ पे राइबोसोम को हम राइबोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके बिना पे हमने इसको नाम दे दिया कि वह राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं मींस आरएनए जो होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, नंबर 1 एमआरएनए, नंबर 2 टीआरएनए एंड नंबर 3 आरआरएनए। ठीक है, तो राइबोसोम में अंदर आरआरएनए मौजूद होता है। कौन सा आरएनए मौजूद होता है, आरआरएनए इज देयर टू कंबाइन और ट्रांसलेट द कोड ऑफ द एमआरएनए, उसके मुताबिक इन्होंने क्या बनानी पड़ेगी, इन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन बनानी। ठीक है, तो ये राइबोसोम के बारे में था। राइबोसोम वैसे बहुत सारे काम के लिए नहीं होते राइबोसोम के, लेकिन सबसे मेजर जो काम होता है वो ये होता है कि वो सेल की प्रोटीन तैयार करता है। नाखून काटें प्रोटीन की जरूरत, बाल काटें प्रोटीन की जरूरत। ठीक है, अगर हमें चोट लग जाती है और कट आ जाता है हमारी स्किन पे, उसको भरना ये राइबोसोम की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन ऐसे नहीं बनता, प्रोटीन आपने पढ़ा है कि प्रोटीन बनाने के दो तरीके होते हैं कि पहले उसके लिए कोड को बनाया जाता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके कोड को रीड किया जाता है, जब रीड किया जाता है फिर ये राइबोसोम क्या करता है, ऐसे अमीनो एसिड्स को पकड़ते हैं जिनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द राइबोसोम
राइबोसोम को आपके एग्जाम्स में आता है कि राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन नहीं हम बोलते हैं, या ऐसे सवाल आता है कि व्हाट आर द फैक्ट्रीज ऑफ राइबोस, व्हाट आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन, तो आप लोगों ने कुछ और नहीं लिखना बल्कि उसके जवाब में राइबोसोम लिखना है। जैसे आप कहते हैं, सवाल आता है कि विच वन इज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा होता है, डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दे रहा लेकिन अंडरस्टूड है कि पावर हाउस ऑफ सेल भी, ठीक है, तो उसी का नाम है। ऐसे ही फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम का नाम है। अब इसके बाद है सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल यहाँ पे जो होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है सेंट्रियोल, इसमें ट्यूबुलर फॉर्म में ट्रिपलेट एस्टर्स, ट्रिपलेट एस्टर्स होते हैं लाइक दैट। देखें जरा ऐसे, उसको फोकस करें, ऐसे स्टार की तरह होता है लेकिन ट्रिपलेट होता है, तीन तीन हो गए और ये तीन, ठीक है, ट्रिपलेट की तरह होता है। हर एक में क्या होता है, हर एक में तीन ट्यूब्स लगे होते हैं ऐसे, ऐसे यहाँ पे भी एक ट्यूब ट्यूब ट्यूब, यहाँ पे भी ऐसे ट्यूब्स होते हैं, ऐसे इनके ट्यूब्स होते हैं, मींस हर एक एंगल पे तीन तीन इनके ट्यूब्स होती है, फिर वो आपस में आकर जुड़ती हैं, ऐसे सारे आपस में ऐसे जुड़े, फिर वहां से रेज पैदा करते हैं, धागे पैदा करते हैं। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो देयर इज अ कपल ऑफ सेंट्रियोल, वन ऑफ देम विल माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल, पहले यहाँ पे खड़े, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो इनमें से कोई एक क्या करेगा, माइग्रेट फ्रॉम इट्स प्लेस टू ऑपोजिट पोल, तो ऑपोजिट पोल पे ये खड़ा हो जाएगा, जब ऑपोजिट पोल पे ये खड़ा हो जाएगा तो क्या बनाएगा, एस्टर्स विल फॉर्म। एस्टर्स क्या होता है, दीस एस्टर्स आर स्मॉल स्टार, ये स्मॉल स्टार की तरह ये क्या करेंगे, रेजेस को पैदा करेंगे, रेडिएट करेंगे, रेजेस को पैदा करेंगे, डिसकंटिन्यूस फाइबर्स को पैदा करेंगे, डिसकंटिन्यूस फाइबर, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें अंदर जो ट्यूबल है, ये माइक्रो ट्यूबुलस आपने पढ़ा है साइटोस्केलेटन में, तो माइक्रो ट्यूबुलस किस किस चीजों पे मुश्तमिल होता है, माइक्रो ट्यूबुलस कंप्राइजेस विद द ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, आप कहीं भी प्रोटीन को पढ़ोगे तो फाइबर्स का जरूर जिक्र होगा, क्योंकि प्रोटीन फाइबर पे ही मुश्तमिल होती है, चाहे हमारे मसल के फाइबर्स हों, एक्टिन फाइबर हों, फिलामेंट फाइबर हों, मायोसिन फाइबर हों, चाहे वो ट्यूबुलिन फाइबर हों, चाहे सिलियन फाइबर हों, चाहे फ्लैजेलिन फाइबर्स हों, सारे के सारे प्रोटीन्स जो हैं वो फाइबर पे ही मोस्टली मुश्तमिल होते। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जब प्रोटीन पढ़ा था कि मैंने पढ़ाया था प्रोटीन इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, नंबर वन फाइबरस प्रोटीन एंड नंबर टू ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इट इज एबल टू डिजोल्व इन वाटर, लेकिन फाइबरस प्रोटीन इज अनेबल टू डिजोल्व द वाटर, नाखून को काट कर पानी में डाल दें डिजोल्व हो जाएगा, नो सर, बालों को काट कर पानी में डाल दें चोट लग जाए और यहाँ पे जो स्किन बनती है उसको हम ऐसे निकाल के पानी में डाल दें तो डिजोल्व हो जाएगा, नो सर, क्यों, क्योंकि दे ऑल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर्स, सारे के सारे फाइबर पे मुश्तमिल होते हैं, तो यहाँ पे फाइबर होते हैं। फाइबर क्या करते हैं, फाइबर्स अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर में, सेंट्रोमेयर में वो क्या होते हैं अटैच होके उनको खींचते हैं अपने अपने तरफ, वो खींचते हैं, जब वो खींचते हैं तो वो खींचे चले जाते हैं क्रोमो, ये देखे ना ये क्रोमोसोम है, सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर में ये क्या होगा, सेंट्रोमेयर में ये देखें, यहाँ पे मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया, दिस इज क्रोमोसोम, इतना माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो ये फाइबर्स क्या करेंगे, यहाँ पे आकर अटैच, यहाँ पे आकर अटैच होंगे, फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से एपोमर की तरफ खींचेगा, लेट सपोज ये ए पोल, ये है बी पोल, दोनों में इक्वल फोर्स लग रही है, दोनों में क्या लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही है, तो दरमियान से ये क्या होगा, वी शक्ल का क्रोमोसोम यहाँ से टूट जाए, दरमियान से टूटा और वी शक्ल ऊपर चली गई और वी शक्ल नीचे आ गई, यानी एक सेल के एक क्रोमोसोम के दो टुकड़े बन गए,
इसको हम कहेंगे इक्वेशनल फेज और इक्वेशनल सेल डिवीजन मींस माइटोसिस। तो ये क्या करते हैं, ये फाइबर्स पैदा करते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स क्या करते हैं, वो भी फाइबर्स पैदा करते हैं। यहाँ पे फाइबर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस फाइबर्स भी होते हैं और डिसकंटिन्यूस फाइबर्स भी होते हैं। दो किस्म के फाइबर्स, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फाइबर्स। अगर हम इनकी बात करते हैं, वैक्यूल की बात करते हैं, तो वैक्यूल नॉन मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल है। वैक्यूल क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल है, और उसको हम कहते हैं नॉन प्रोटोप्लाज्मिक वाटर। नॉन प्रोटोप्लाज्मिक वाटर इसलिए क्योंकि इसका पानी ज्यादा डायल्यूट होता है, जब पतला होता है, ठीक है, वो डायल्यूट होता है इसलिए क्योंकि हम जब वैन हुई इनटेक एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इट विल स्टोर इन अवर सेल्स, ठीक है, सेल्स में स्टोर हुआ अब एक्सेस अमाउंट में, लेकिन वो वैक्यूल की सूरत में जमा होगा। कभी पसीना निकला, कभी यूरिन पास हुआ, इससे क्या होगा, हमारे जिस्म से जो एक्सेस अमाउंट था वाटर वो सीक्रेट हो गया, वो सीक्रेट हुआ, फिर हमें दोबारा प्यास लगती है, फिर पानी पिए। तो ये टेम्पररी होते हैं, प्लांट्स में तो होता है, फिक्स होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वो वाटर को अपटेक कर रहे होते हैं, अपटेक कर रहे होते हैं, अपटेक कर रहे होते हैं, उनमें देयर इज अ ह्यूज वैक्यूल इन द सेंटर ऑफ प्लांट्स है। लेकिन यहाँ पे होता है न्यूमरस वैक्यूल्स बट इन माइन्यूट माइन्यूट फॉर्म, इन साइज, इनकी जो साइज होती है वो छोटी होती है, लेकिन ज्यादा होते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते। वो क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते, वो टेम्पररी होते हैं, जब पानी हमारे सेलों से गया तो ये भी चले गए, फिर हमें जरूरत पड़ेगी, यानी एक्सेस जो वाटर होता है उसको ये अपने पास स्टोर करते हैं। लेकिन एक्सेस वाटर में वैक्यूल्स में क्या होगा, एक मेम्ब्रेन तो हम नहीं कह सकते, नॉन मेम्ब्रेनस होते, लेकिन एक मेम्ब्रेन के जैसी एक जो है वो जगह होती है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टोनोप्लास्ट उसको बोलते हैं, जिसको सेंटर ऑफ वैक्यूल भी हम कह सकते हैं। अब उनमें क्या होगा, उनमें एंजाइम्स होंगे। कौन से एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जैसे हमने लाइसोसोम पढ़ा था ना, लाइसोसोम क्या होता है, वेसिकल होता है, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये इनके पास भी क्या होते हैं, उनकी तरह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। जब भी कोई लेट सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल वगैरह इंग्रेस होता है तो ये एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट करने की काबिलियत भी रखते हैं। जी ठीक है, क्लियर, थैंक यू।